बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल, और इसमें हम देखेंगे कि कैसे हमने मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर को 10 के साथ, 100 के साथ और 1000 के साथ। और साथ ही साथ हमने देखना है कि किस तरह हम डेसिमल को होल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और इसी तरह डेसिमल को डेसिमल के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेसिमल वैल्यू है और उसको हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और उसके लिए हमने क्या करना है, हमने उनको वर्टिकली लिख के मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि जस्ट हमने जो डेसिमल पॉइंट हमारे पास है उस पॉइंट को उठाके हमने राइट साइड पे मूव करवा देना है। अब यहाँ पे हमारे पास टेंस में 10 है, तो इट्स मीन वो एक डिजिट हमारे पास राइट मूव कर जाएगा, और यू हमारे पास हमारा आंसर बन जाएगा। जब हम इसको राइट साइड पे मूव करवाएंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 32.0, और अगर हम इसको यूं लिख दें कि जस्ट हमारे पास है 32, तो वो भी हमारा आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट में हमारे पास वैल्यू है 33.2 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है 100 के साथ। अब यहाँ पे 100 में हमारे पास है 20, तो हम क्या करेंगे, हमने इस पॉइंट को मूव करवा देना है राइट साइड पे, और ये राइट साइड पे 2 डिजिट मूव करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक डिजिट तो पहले से था, जबकि एक डिजिट हमारे पास कम है, तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, वो डिजिट जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है उसके लिए हम खुद से यहाँ पे 0 लगा लेंगे, और इस तरह हमारे पास बन जाएगा आंसर 320। और अगर हम इसको यू पॉइंट के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, और यू हमारे पास आंसर हो जाएगा 320.0। नेक्स्ट हमारे पास है 3.2, और हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ। जब हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास है 30, और हमने इस पॉइंट को मूव करवाना है राइट साइड पे, और जब ये पॉइंट मूव करेगा राइट साइड पे तो इसने 3 डिजिट राइट मूव करना है, जबकि हमारे पास यहाँ पे 3 डिजिट नहीं है, तो हम उनको खुद से कम्प्लीट कर लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे डाल देंगे 0, जितने हमारे पास डिजिट्स कम हैं उतने हम डाल देंगे 0। अब ये 3.2 बन जाएगा 32, और 2 डिजिट्स हमारे पास कम हैं, उनकी जगह पे हमने यहाँ पे लगा देने हैं 20, और यू हमारा आंसर होगा 3200। अब हम यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 4s are 16, तो हमने 6 लगाया, 1 हमारे पास ऊपर आ गया, 6 4s are 24, 24 में 1 ऐड किया तो बन गया हमारे पास 25, जिसमें हम जो 5 है उसको नीचे लिख लेंगे, 2 हमारे पास नेक्स्ट डिजिट पे आ जाएगा, 4 3s are 12, 12 and 2 14, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 14। अब हमने 364 को मल्टीप्लाई कर लेना है 2 के साथ, और इसको भी हम बारी बारी मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे ही हमने एक डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन अपनी कंप्लीट की तो यहाँ पे हम एक क्रॉस डाल देंगे, या फिर हम यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं। 4 2s are 8, देन 6 2s are 12, 2 यहाँ पे और 1 हमारे पास ऊपर चला गया, 3 2s are 6, 6 and 1 7, तो यूं हमारी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुई। अब हमारे पास दोनों के आंसर आ गए हैं, अब हमने इनको एड कर लेना है, तो यूं हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 6 8 and 5 13, देन 4 5 6 7 and 7 and 1 8। अब ये आ गया जी हमारे पास हमारा आंसर, लेकिन इस आंसर में हमारे पास पॉइंट मौजूद नहीं है, जबकि हमने पॉइंट वाली वैल्यू के साथ होल वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाया था। तो अब हमने ये देखना है, जैसे ही हमारे पास आंसर आएगा हमने उस आंसर में पॉइंट डाल लेना है, और अब पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे हमने देखना है क्वेश्चन में, कि एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम आंसर में भी पॉइंट राइट साइड से 1 डिजिट के बाद डाल लेंगे, और इस तरह से ये बन जाएगा जी हमारा आंसर। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एक डेसिमल वाली वैल्यू को दूसरी डेसिमल वैल्यू के साथ, तो इसमें हम पहले सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 4 5s are 20, तो हमारे पास आ गया जी 20, हम यहाँ पे लिख देंगे 0, और 2 हमारे पास ऊपर चला जाएगा। अब हम 4 को 6 के साथ, जैसे हमने पहले 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाया था, अब 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 4s are 24, 24 में हमने 2 को ऐड किया तो हमारे पास बन गया 26, तो 6 यहाँ पे, 2 फिर हमारे पास ऊपर चला गया।
अब हमने 4 को मल्टीप्लाई करवा देना है 3 के साथ. 4 3 इज 12, 12 में 2 ऐड किए तो हमारे पास बन गया 14. जैसे ही हमने एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाया, अब हमने यहाँ पर डाल देना है क्रॉस और अब हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेना है 5 को, फिर 6 को और फिर 3 को. 2 5 10 तो हमारे पास यहाँ पे लग जाएगा 0, जबकि 1 हमारे पास यहाँ सेकेंड डिजिट पे आ जाएगा. 2 6 12 12 and 1 13. 3 हम यहाँ पे लिख लेंगे और फिर 1 हमारे पास नेक्स्ट डिजिट पे आ गया. देन 3 2 6 6 and 1 7. तो ये आ गया जी, जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया ये हमारे पास फर्स्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये हमारे पास सेकेंड डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करने से आ गया हमारा आंसर. अब हमने इन दोनों आंसर्स को कर देना है ऐड, तो अब हम इनको ऐड कर लेते हैं. हमारे पास आ जाएगा 0, देन 6, 4 and 3 7, 7 and 1 8. तो ये आ गया जी. अब यहाँ पे हमने जब मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड किया, अब हमने यहाँ पे पॉइंट लगाना है. और पॉइंट हम कैसे लगाएंगे उसके लिए हमने क्वेश्चन में देख लेना है कि पॉइंट की राइट साइड पे कितने डिजिट्स हैं. आप ये फर्स्ट वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे पॉइंट की राइट साइड पे 1 डिजिट है, यानी 1 डिजिट ये हो गया. फिर हमने ऊपर वालों को भी देखना है, वो भी पॉइंट की राइट साइड पे 2 डिजिट्स वो भी हैं, तो 1 2 और 3 यू हमारे पास आ जाते हैं ये 3 डिजिट्स. तो इट्स मीन हमने आंसर में भी 1 2 3 राइट साइड से 3 डिजिट्स को छोड़ के पॉइंट लगा लेना है और ये बन जाएगा हमारा आंसर.